आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि उम्र तो कम है जरूर बाकी कैंडिडेट्स की कंपनी में, लेकिन काम करने की जोश और जो ताकत है शायद उन लोगों से सबसे ज्यादा हमारे पास होंगे। अब इलेक्शन है तो फिर पैसे की बात करते हैं ना, तो इलेक्शन का माहौल है अभी, 19 भी आ रहा है, पैसे बांटने वाले भी बहुत आएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स है ना, इलेक्शन का माहौल है तो पैसा भी चलता है, वो तो खुली किताब है, और पैसे कोई देने आता है आप ले लीजिए, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है ना, क्योंकि पैसे वही देने आएंगे आपको जो हमारे इस कंस्टिट्यूएंसी के लिए काम नहीं किया। आपको इस इलेक्शन के दिन में पैसे देकर सोचते हैं कि भरपाई कर लेगा है ना, पैसे तो कोई भरपाई नहीं होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पैसा लेता है दरा धमका के प्यार से देता है, ले लो, लेकिन अपना वोट, अपना हक, अपना जो इज्जत है उस छोटे से रकम, उस छोटे से पैसे के लिए आप मत बेच दो। आप ले लो पैसे, लेकिन वोट इस बार उसको मारिए जिस पे आपका भरोसा है कि वो हमारे कंस्टिट्यूंसी को आगे लेकर जाएगा, और जो हमारे फ्यूचर जेनरेशन है उनका हाथ अच्छे एक लीडर या एक कैंडिडेट के हाथ पे जाएगा। और एक्सपीरियंस को मैं बोलूँ तो हाँ, पॉलिटिकली मेरा एक्सपीरियंस कम है, कम छोड़िए ना के बराबर, क्योंकि मैंने ना कोई जिला में पार्टिसिपेट किया ना कोई यूनियन में भी। तो कल मैंने थिंसा में भी वही कहा, ये इलेक्शन है कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं कि आप यहाँ पे आओ बैठो है ना, कि एग्जाम लिखते जाओ फेल हुआ फिर से ट्राई करो, वो आपकी जिंदगी है, एक आदमी की जिंदगी है या फिर उस आदमी के साथ एक परिवार के साथ, लेकिन ये इलेक्शन है, यहाँ पे हजारों लोगों की जिंदगी जरूरी है, तो एक्सपीरियंस के चक्कर में इनकी जिंदगी हमें बर्बाद नहीं करनी है। तो जिसने लिया एक्सपीरियंस तो आप लोगों ने देखा ही है, तो उन लोगों ने शायद हम लोगों की जिंदगी के साथ खेल दिया, तो आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या उन लोगों के साथ ही आप लोग फिर अपने वोट दोगे, या फिर है ना कि कोई एक नया कैंडिडेट जो आप आज भरोसा कर रहे हो उनके साथ दोगे। और एक बात है कि कोई लीडर्स है जो कहता है, मुझे कहता है बेटा 5 साल रुक जाओ अपना ग्राउंड बना लो है ना, लेकिन मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि मतलब ये कोई एग्रीमेंट वाली चीज़ नहीं है कि 5 साल रुक जाऊँगा आपका सपोर्ट करूँगा, क्योंकि क्या वो एग्रीमेंट जो हम लोगों का यूथ का जो टाइम है 5 साल, और जो हमारे बच्चे हैं जिनका स्कूल का समय उनका जो बर्बाद हुआ, क्या वो एग्रीमेंट वो 5 साल का ग्राउंड बनाने के चक्कर में वो वापस आएगा? वो तो आएगा नहीं, टाइम तो गया है ना, टाइम एंड टाइट था क्या, वेट फॉर नाइन बोलने में उसी तरह, तो एग्रीमेंट कोई नहीं किया जाएगा है ना, किसी 5 साल किसी के लिए नहीं रुका जाएगा। तो इस बार मैं अपना फील बनाने नहीं आया, मैं आप लोगों के लिए अपने 56 कंस्टिट्यूंसी के लिए काम करने आया हूँ, और वुमेन्स, हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे जाएंगे ना, तो वुमेन्स को लेकर इसी कुछ 2-3 दिन पहले आप लोगों के साथ हम लोगों ने कम्युनिटी हॉल में एक छोटा सा मीटिंग रखा था, शायद आप लोग बहुत सारे प्रेजेंट थे उसमें, तो आप लोगों ने बहुत रोका मेरे लिए, इतनी अंधेरा रात में पूरा अंधेरा हो गया और लाइट का कनेक्शन भी नहीं, जनरेटर भी जुगाड़ नहीं हो पाया, सोलर लैम्प से हो रहा था हम लोगों का मीटिंग। तो उनमें भी हमारे वुमेन्स टीम से यही रिक्वेस्ट था कि वुमेन लोगों के लिए कमिटी हॉल बनाया जाए, तो हमने कहा जरूर क्यों नहीं, लेकिन उसके साथ साथ कम्युनिटी हॉल बनने के साथ साथ उनके साथ यह भी प्रॉमिस किया कि उस कम्युनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वुमेन्स ग्रुप ही करेंगे। और यूथ को लेकर बहुत से लोग हैं जो हमारे बीच में की ग्रेजुएशन होकर भी ऐसे बैठा हुआ है क्योंकि कोई एम्प्लॉयमेंट की वो सोच नहीं दे पा रहे, या फिर वो एक आपको जरिया नहीं दिखा पा रहा एक लीडर्स के तौर पे। तो यूथ्स को भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस बार वो समय चला गया, अब मैं भी खुद यूथ हूँ, खुद अपना स्टार्टअप करके आया, बिजनेस कैसे करते हैं वो सब तकलीफ देख कर आया, तो वही तकलीफ
आप लोगों के साथ नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि इस बार हम लोग पूरे टीम बनाकर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सारे को उनके साथ मिलाकर हम लोग एक यूथ की एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारा स्टार्टअप्स हम लोग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप स्पेसिफिकली हम खेती में देखा जाए तो टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है, और उसमें भी एक स्पेसिफिक, टाइम बहुत कम है तो स्पेसिफिक एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इंसानों का वो सिर का हड्डी ह्यूमन स्कल्स शायद हमारे यहाँ पे एक दो गांव में ही है, एक तो लबनान में है, एक खेती में है। तो आप सोच के देखिए, लोग एक छोटा सा पेड़ का फूल देखने के लिए शिलोंग तक जाता है चेरी ब्लॉसम देखने। तो आप सोच के देखिए, इंसानों का स्कल देखने कितने सारे टूरिस्ट आ सकते हैं, और आते भी हैं। बस वही है कि एक्सपोजर नहीं है हम लोगों के बारे, लोगों को इतना पता नहीं है, तो वो सब चीज़ों को लेकर भी हम लोग बहुत सारे एक्सपोजर लेकर आ सकते हैं हमारे स्टेट में भी, ऑल ओवर इंडिया में भी। शायद ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ह्यूमन स्कल्स मिला जाएगा, इतना लंबा हिस्ट्री। तो वो सब चीज़ों को भी लेकर हम एम्प्लॉयमेंट की नज़र पे टूरिज्म को हम बहुत बढ़ावा देंगे। तो यूथ्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए होगा। और सीनियर्स को मैं आज कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स आए सब यंग हैं, एनर्जेटिक है, और खुद को हम लोग स्मार्ट इंटेलिजेंट भी कह रहे हैं। लेकिन है तो है, लेकिन एक कहावत है कि ओल्डर बट वाइजर, क्योंकि उन लोगों ने जिंदगी देखा है, बहुत सारी चीज़ें होता है रिपीट होता है। तो हम अभी यंग है, हम सोचते हैं कि हाँ ये सही होगा, इसको करेंगे, पूरे एकदम जोर से जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि आगे जाके क्या होगा, क्या वो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा होगा या खराब होगा। तो वो चीज़ हम लोगों को बताने वाला हम लोगों के सीनियर्स ही होंगे। इसलिए बोलते हैं कि आप जितने एज हो जाते हो उतना ही आपका विजडम बढ़ता जाता है। तो आज विजडम वही है कि कौन क्या सही क्या गलत होगा हमारे सोसाइटी के लिए, वो हमारे सीनियर्स ही हमें दे सकते हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट वही है कि हम आप लोगों से चढ़ के नहीं जा रहे, लेकिन आप लोगों की गाइडेंस हमें बहुत ज़रूरत है। और एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ पे, हम लोग के यहाँ पे कल्चर बहुत बड़ी है लोवंग जी को लेकर भी, और जो सिस्टम्स हैं। तो सबसे पहले सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स तो आता जाता है, लीडर तो आता जाता है, लेकिन जो हमारे राजा है, जो हमारे लोवंग है, वो पहले से थे, अब भी है, कल भी रहेंगे। तो हमें अपना रीति रिवाज और कल्चर को भूल नहीं जाना चाहिए इस पॉलिटिक्स के चक्कर में। तो हमें अपना कल्चर प्रिजर्व करना चाहिए और अपना सिस्टम को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और उसी के साथ आज एडवाइजरी कमेटी के को लेकर भी बात हुआ, तो वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्या सही क्या गलत फिर से उन लोगों से ज़्यादा हमें कोई नहीं बता पाएगा। तो उस एडवाइजरी कमेटी में भी बहुत सारे सर्विस और एम्प्लॉयड लोगों की ज़रूरत होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव में भी उन लोगों के तरफ से ही डिसीजंस लिया जाता है, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर। तो एडवाइजरी कमेटी बहुत ज़रूरत है, और डेवलपमेंट कमेटी हर गांव में। और इस बार ऐसा नहीं होगा कि एक गांव का डेवलपमेंट को लेकर दूसरा गांव वाला आके बोलेगा, या फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऐसे वाले चीज़ नहीं होंगे। खेती में जो चाहिए वो खेती वाले डिसाइड करेंगे और खेती ही काम करेंगे। जो लाजू में होगा लाजू ही डिसाइड करेगा, लाजू ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई राइट हैंड लेफ्ट हैंड आके किसी और गांव का कॉन्ट्रैक्ट लेगा या काम करेगा। तो यही भरोसा के आप लोगों को देता हूं कि आपके यहां पे जो डेवलपमेंट होगा आपके लोग ही और आप लोग ही करोगे। एनसीपी